गुड मॉर्निंग एवरीवन अभी है मॉर्निंग का टाइम तो मेरा ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर चुकी हूँ और अभी मॉर्निंग का छः बज रहा है तो मैं अभी जस्ट सोकर उठी हूँ तो बारिश देखकर मन कर रहा कि मैं फिर से जाकर सो जाऊँ पर सोने से तो नहीं चलेगा क्योंकि मेरे बेटी का है स्कूल तो हमें उसके लिए अभी खाना भी बनाना है रेडी भी करना है उसको तो देखो लग गई हूँ किचन में तो अभी मैं बना रही हूँ पराठे आलू के पराठे तो उसमें मैं बटर लगा दिया है क्योंकि और एक दिन मैंने बनाकर दिया था उसको बटर लगा कर तो पूरा फिनिश कर दिया था उसने टिफ़िन तो सब्ज़ी तो बनाने का टाइम नहीं मिला था तो सब्जी में नहीं बनाई थी और पराठे के साथ चटनी वटनी अच्छा लगता है तो हमने सॉस दे दिया था उसको तो वैसे तो जब छोटी थी ना तब तो बहुत ही अच्छा वो बटर खाती थी मतलब कि फ्रिज में रखा होता था, था, था ना तो आकर चुप कर कर मतलब चोरी से खा लेती थी तो बाद में जाकर हम जब देखते थे तो देखते थे कि बटर गायब था तो ऐसे खाती थी और हंसी भी आती थी और अच्छा भी लगता था अभी जब बड़ी हो गई है तो बटर उसका उसका शायद पसंद नहीं है तो होता है ना ऐसा छोटे में कुछ अच्छा लगता है तो बड़ा होकर वो कैसे हो आप सब आए आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो मेरा जो बंगाली वाला ब्लॉग है उन सब में अच्छा व्यूज़ नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा कि चलो हिंदी से फिर से ब्लॉग बनाती हूँ तो इसीलिए आज फिर से हिंदी से बातें कर रही हूँ क्योंकि मुश्किल हो रहा है बहुत सारे फ्रेंड को इसी तो आप लोग ये वाला ब्लॉग भी वॉच करना और सपोर्ट करना तो अभी टाइम है दोपहर की अभी बारह रहा है तो मैं अभी जाऊंगी खाना बनाने के लिए खाना अभी थोड़ा सा हुआ है और थोड़ा सा बाकी है और खाना अभी थोड़ा सा बाकी है बनाना तो चलो मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए और आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करने वाली हूँ तो आज का वेदर थोड़ा सा बरसात मतलब कि बारिश हुआ था फिर से धूप निकला है फिर से शायद बारिश होने वाला है तो चलो कैसा मौसम है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। मैं अभी जाती हूँ किचन का काम करने के लिए काम वाम करने के बाद फिर से आप लोगों के साथ मिलती हूँ और थोड़ा सा घर का भी काम है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और सुबह मैं जब पूजा कर रही थी ना तब एक औरत आई थी तो उसने अंडा घर घर जाकर बेचती है तो वो देकर गई है हस्बैंड जी लेकर रखे थे तो मैंने उसको धोया नहीं था तो अभी धो दूंगी धोकर फिर जब सूख जाएगा तो तब मैं उसको फ्रिज में रख दूंगी तो अभी पानी डाल दिया है हमने और इसके बाद यहाँ पर बना रही थी मैं आज अंडा का ही सब्जी बनाऊँगी तो ये देखो यहाँ पर बनाया मैंने बना लिया है पहले से दाल तो दाल मेरा हो चुका है छौंक भी लगा चुकी हूँ और उसके बाद मेरा तो आदत है गैस को थोड़ा सा साफ करना खाना बनाते बनाते तो गैस को भी मैंने साफ कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसको तो मैं अंडा भुर्जी बोल नहीं सकती क्योंकि अंडा भुर्जी जो होता है वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनता है तो मैं इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाई हूँ तो जैसे खाना आप आप चाहे जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो अपने स्टाइल में तो मैं कुछ वैसे बनाई हूँ आज दो अंडे को पहले से फ्राई कर लिया है नमक और प्याज के साथ उसके बाद मैंने बहुत सारे प्याज और हरी मिर्च डालकर फ्राई कर कर और आलू को मैंने पहले से उबाल कर रख दिया था तो आपने देखा था वो गर्म था थोड़ा सा तो और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च इससे छौक लगा दिया है तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद डाल दूँगी मैं आ, आलू तो आलू डालकर मैं बना रही हूँ तो इसको आप अंडा भुर्जी तो नहीं बोल सकते आ, इसको आप आलू और अंडा फ्राई ये दोनों बोल सकते हो तो वही बनाई हूँ मैं आज और वैसे दाल है और ये सूखा सूखा एक सब्जी है तो आज चल जाएगा वैसे अंडा तो सबको पसंद है हमारे घर में मेरे बेटी को भी हमको भी और हमारे हस्बैंड जी को भी तो इसीलिए ये बना लिया है और दाल है साथ में और रात को देखेंगे कुछ बनाती हूँ अगर ये सब नहीं खाएंगे और ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ एक बना लूंगी रात को तो क्या है थोड़ा एक बनाकर खा लो बस हो जाएगा तो इसीलिए और आज का हमारा लंच ये है सिंपल सा लंच है ज़्यादा कुछ नहीं है और हस्बैंड जी का खाना भी हो चुका है तो वो रेडी भी हो चुके थे तो अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए तो यहाँ पर देखो मेरे बेटी का जो फ्लैग है वो ना यहाँ पर लगा कर रखी है और देखो यहाँ पर बाइक रखा हुआ है बरामदे में क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा था तो इसीलिए उन्होंने नीचे नहीं रखे क्योंकि जो बाइक के सीट के अंदर जो स्पॉन्ज होता है ना वो पानी सोप कर लेती है तो जब बैठते हैं ना तो पैंट वैंट भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता है तो इसीलिए उन्होंने ऊपर ही रख दिया है और अभी तो बारिश नहीं है और अभी जा रहे हैं ऑफिस तो ये वाले फाइल हमें उन्होंने थमा दिया है बोल रहे थे हमको दे देना तो और हम तो वही देने के लिए जा रहे थे और देखा आप सब ने कितना धूप निकला था ना तब और अभी देखो मौसम अंधेरा सा हो चुका है लग रहा कि अभी बारिश होने वाला है तो मैं छत पर आ गई हूँ सारे कपड़े लेने के लिए क्योंकि वरना तो भीग जाएगा इसीलिए तो और फिर आज मेरी बेटी मुझे करने वाली है मेकअप पता नहीं कैसे करेगी <laughs> और वो स्कूल से आ गई है तो मेरे साथ बहुत दिनों से बदमाशी कर रही थी कि उसे बनाना है मुझे पागल मतलब कि मेकअप वो जैसे करती है तो वैसे हमें तो पागल ही दिखूंगी ना मैं तो मुझे पागल बनाने के लिए बहुत दिन से बोल रही थी और वैसे उसका अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है ना तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं है मतलब कि खेलने का टाइम ज़्यादा है पढ़ने का टाइम नहीं है तो अभी बोल रही थी कि हमें मेकअप करना है आज तो स्कूल से आ गई है तो आते ही बदमाशी करने लगी है देखो हमारी मेकअप आर्टिस्ट तो चलो मेकअप जब हो जाएगा ना तो बीच में आप सबको मैं दिखाऊंगी कैसा है और उसके बाद आपको फिर से दिखाऊंगी फुल लुक कि मेरा मेरा फेस को जो है आ, कैसे अच्छा किया है उसने देखो दे सफेद भूत और उसके नन्हे नन्हे हाथों से इतना अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत ही आराम लग रहा था और नींद भी आ रही थी तो मैंने ना सोफे पर ही सो गई थी और उसने हमारी वीडियो निकाल लिया था हमें भूत बनाने के बाद तो हमने क्या किया वो वाला क्लिप भी लगा दिया यहाँ पर तो हमें देखो ऐसे भूत बनाकर और वीडियो भी बना लिया है हमारी बदमाशी कर रही थी सो फ्रेंड ये रही मेरा फुल मेकअप तो ये देखो मैं ना लगाते लगाते मुझे इतना नींद आ रहा था मतलब इतना आराम आ रहा था तो मैं सो गई थी तो सब इधर उधर चला गया है और मेरा मेकअप देखो अब सब और ड्रेस में भी उसने गिरा दिया है थोड़ा बहुत सा तो देखो और अच्छे से सो गई थी मैं बहुत ज्यादा नींद आया था तो देखो तो चलो रखती हो खाना भी हम लोगों ने नहीं खाए हैं तो अभी खाना खाना है उसके बाद भूख तो हमें भी लग गया था और हमारी बेटी को भी तो फिर मैं उठकर अपना फ़ेस वॉश किया और उसके बाद खाना भी लगाया खाना खाने के बाद जो होता है बर्तन साफ़ करना तो अभी मैं वही कर रही थी तो मेरी बेटी अभी कैमरा पकड़ी हुई थी तो वही वीडियो बना रही है और उसका फेवरेट लगा खाना मतलब बोल रही थी कि अच्छा था तो बाद में मैं उसको ना एक पापड़ फ्राई कर दिया था तो खा लिया था और हमारी अभी बर्तन साफ़ हो रही है तो ये देखो बर्तन बर्तन साफ कर ही रही थी तब एकदम क्या बोलूँ कि मैं अभी का मौसम जो है ना ऐसा ही है कभी बारिश तो कभी धूप तो बर्तन साफ़ करते करते इधर बारिश शुरू हो गई थी तो चलो मैं आप सबको दिखाती हूँ बारिश के बाद बारिश भी हो गई और बारिश देखकर हमें एक ख्याल आया कि हमारी जो यहाँ पर रखा हुआ था सारे प्लांट तो मैंने उन सबको कहाँ रखा है देखो तो इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है एकदम बाहर है ये देखो बाहर मैंने निकाल दिया है थोड़ी देर के लिए कि चलो आप भी बारिश में थोड़ा सा मज़े कर लो तो इसीलिए बाहर रख दिया है और उसका मिट्टी भी हल्का सा सूख गया था तो हम तो वैसे पानी देते हैं तो बारिश का पानी कभी भी उसे मिला नहीं है तो घर अंदर रहते रहते तो मैंने बोला कि चलो आप लोग भी मज़े कर लो तो इसीलिए बाहर रख दिया है हमने उनको भीगने के लिए तो ये देखो और इनका जो धूल मिट्टी भी लगा था पत्ते में वो भी शायद थोड़ा सा धो धो कर साफ हो जाएंगे तो इसीलिए हमने यहाँ पर रख दिया था और अभी बज रहा था चार तो चार बजे के बाद से आ, कोई मतलब कि शाम तक कोई शूट नहीं कर पाई तो अभी बजा है साढ़े आठ तो हमारा मन कर रहा था कि चलो बाहर जाकर घूम कर आए तो इसीलिए चल गए थे बाहर मतलब यहाँ पर दिनहाटा में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है तो नया है मतलब ये पहले था तो पहले जहाँ पर था वहाँ से चेंज कर कर यहाँ पर लाए हैं और इसका थोड़ा सा आ, चेंज भी किया है और गेटअप भी चेंज किया है और अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में आ, बहुत ज़्यादा स्पेस है पहले इतना स्पेस नहीं था आ, बहुत ज़्यादा स्पेस है और आप आकर बहुत ही आराम से यहाँ पर रेस्ट कर कर आराम से खा सकते हो तो हम लोग नए नए हैं तो हमने बोला चलो आज वहीं पर जाते हैं और एकदम निरामिष खाना है यहाँ पर आ, मतलब कि जैसे आप भेज वाला आ, मीट चिकन मटन ये सब नहीं मिलता है यहाँ पर प्याज भी प्याज और लहसुन भी यहाँ पर नहीं मिलता है एकदम निरामिष खाना है ये एक मारवाड़ी का दुकान है तो इसीलिए और तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है तो देखो मेरी बेटी पहले इधर बैठी थी तो अब उसे उधर बैठना था तो उधर चली गई थी तो देखो हम दिखा रहे हैं इधर उधर कि कितना सुंदर बैठने का भी जगह है अच्छा लगा हमें तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लिया और हमारे पति देव जी खा रहे हैं यहाँ पर पकोड़े और साथ में है उनका कॉफ़ी तो काफी कॉफ़ी जो है अभी भी लाए नहीं है वैसे हम लोगों ने ऑर्डर किया था डोसा और था चाउमीन भेद चाउमीन और डोसा था तो वो बनाने में थोड़ा सा लेट होगा तो यहाँ पर जो खाना है ना एकदम फ्रेश मिलता है आपको साथ ही साथ बनाकर देते हैं इसीलिए लेट होता है तो किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में आप चले जाओ वहाँ पर खाना देने में बहुत लेट होता है तो इसीलिए हमने सोचा बैठकर क्या करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बना लिया वीडियो बनाते बनाते बोर हो चुके वीडियो बनाने से पहले हमने ऑर्डर कर दिया था कि पकोड़े खाना खाना है तो पनीर का पकोड़े और ये एक भेज पकोड़ा था तो हस्बैंड जी खा रहे पकोड़े और कॉफ़ी भी उनका आ चुका था तो वो दोनों खा रहे थे और हम यहाँ पर खा रहे थे पनीर का पकौड़ा तो मेरे बेटी को पनीर पनीर तो वैसे अच्छा लगता है तो पनीर का पकौड़ा वो उसने खाया है और वो वाला पकौड़ा हमने टेस्ट किया तो इतना अच्छा नहीं लगा हमें ये वाला अच्छा था क्रिस्पी था और इसके बाद ये देखो उसका आ गया है चाउमीन तो वो खा रही है चाउमीन और हमने भी टेस्ट किया मतलब बहुत सारा खाना खाया और खाने के बाद तो मतलब पेट एकदम भर गया था इतना ज़्यादा खाना खा लिया था हमने तो ये पकोड़े खाते खाते हमारा डोसा भी आ गया था तो चलो थोड़ी देर बाद में आएगा अभी भी आया नहीं है तो मैं आप सबको दिखाती हूँ डोसा इतना बड़ा था कि फुल कैमरे में नहीं आ रहा था हमें ना ऐसे छूक मतलब कि ऊपर उठकर वीडियो बनाना पड़ रहा था कि चलो डोसा का भी वीडियो बना लूँ लूँ और ये ना मसाला डोसा है तो बहुत ही हैवी था और हम खत्म ही नहीं कर पा रहे थे तो मेरा बेटी भी थोड़ा सा टेस्ट किया और हस्बैंड जी तो ये खाए नहीं थे उनका कॉफी और पकोड़े ही बच गया था उनका तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस इतना सा ही मिलती फिर नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ तब तक लेटा डा बाय बाय एंड गुड नाइट